राजद से पूर्णिया की उम्मीदवार बीमा भारती राबड़ी आवास पहुंची, जहां हमारे संवाददाता सागर कुमार ने खास बातचीत उनसे करते हुए उन्होंने ये बताया कि राबड़ी माता का आशीर्वाद लेने के लिए हम यहां पर आए हुए हैं, यह मेरा घर है और यहां लगातार मेरा आना जाना लगा रहता है। माता का जो है कि उनका स्नेह प्यार लेने के लिए आए थे और क्षेत्र में है, अभी घूम रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, तो यहाँ तो घर है, आना जाना रहेगा ही। जनता का प्यार पूरा तरह से बिल्कुल भरपूर प्यार मिल रहा है और सब जगह से मुझे स्नेह प्यार दे रहा है जनता ने। तो पप्पू यादव कह रहे हैं 4 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे, वो अभिभावक है और उनसे आग्रह करेंगे, हमारे गार्जियन है तो नॉमिनेशन भी आएंगे। वो 4 तारीख को खुद नॉमिनेशन कर रहे हैं कांग्रेस, 3 तारीख को जो हम नॉमिनेशन देने जा रहे हैं तो उसमें भी हम आग्रह करेंगे, हमारे गार्जियन है वो भी आएंगे। अच्छा, 40 में 40 सीट का दावा लगातार जो है सम्राट चौधरी कर रहे हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं वो कर रहे हैं, क्या ना कौन दावा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो बिहार का जनता ही जो है उनका जवाब ढूंढ के रखे हुए हैं और पूरे देश जवाब देने के लिए तैयार है। आप कितनी तैयार, बिहार क्यों, पूरे देश तैयार है, बिल्कुल तैयार है, मजबूती के साथ है। पूर्णिया में कहा जाता है कि राजद ने कभी वहाँ से चुनाव नहीं लड़ा है, वहाँ हमेशा जो है जदयू और बीजेपी जीतते आई है, इस बार जो है ना आरजेडी का जीत होगा, महागठबंधन का जीत होगा, पूर्णिया के जनता के एक एक जनता का जीत होगा, एक एक कार्यकर्ता का जीत होगा। लालटेन जलेगा वहाँ, बिल्कुल जलेगा। जब आपके पति नहीं होंगे तो कमी खलेगी उनकी, चुनाव प्रचार उनके बिना आपको करना। मेरा पति अभी जेल में है, मेरे बच्चे जेल में है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता में जो खुशी है, स्नेह प्यार है, जनता के बदौलत ही हम जो है पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका स्नेह प्यार मेरे साथ है। पप्पू यादव अगर चुनाव लड़ते हैं तो चुनौती क्या दे पाएंगे आपको, अभी तो इसके बारे में पता नहीं है, जब होगा तो देखा जाएगा। चुनौती मिलेगी पप्पू यादव अगर वोट लड़ेंगे, टफ हो जाएगा आपके लिए? बिल्कुल नहीं, उनका तो हम बार बार कह रहे हैं कि गार्जियन है, अभिभावक है, ये बात को आप बार बार पूछते रहते हैं। चलिए देखिए, ये थी बीमा भारती, इन्होंने साफ साफ कहा पप्पू यादव के बारे में, हालांकि वो कुछ कहने से कतरा रही हैं, लेकिन कह रही हैं कि पप्पू यादव अभिभावक हैं, सीधे सीधे उनसे वो टकराने के मूड में नहीं थी। अभी राबड़ी आवास वो पहुंची हुई थी बीमा भारती, आप देखिए कि राबड़ी आवास पर राबड़ी देवी जी का आशीर्वाद लेने